हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ना चना पफ चिकी या चना चिकी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 कप जो है वो दलिया लिया है। आप इसको पुटाना भी कह सकते हैं। नॉर्मल जो कोकोनट चटनी हम घर पे प्रिपेयर करते हैं उसमें भी ये ऐड किया जाता है, और ये अनरोस्टेड फॉर्म में आता है। सुपरमार्केट्स में इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस है। मैं इसको लड्डू के फॉर्म में बनाऊंगी, आप चाहें तो इसकी चिकी भी बना सकते हैं। अगर आप चिकी किस तरह से बनाई जाती है वो देखना चाहते हैं तो मैंने तिल की चिकी की रेसिपी अपलोड की थी मेरे चैनल पर, आप वहां से चिकी बनाने का प्रोसीजर भी देख सकते हैं। 1 कप हमने ये लिया है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 3/4 कप गुड़ लिया है। रूम टेम्परेचर का गुड़ है जिसको मैंने छोटा छोटा स्क्रेप कर लिया है नाइफ से, बहुत मोटे टुकड़े ना रखें वरना चाशनी बनाने के लिए प्रॉब्लम होगी थोड़ी। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ करी। फ्लेवरिंग के लिए इलायची पाउडर यूज़ करेंगे हम 1/4 टीस्पून, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जायफल अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप थोड़ा सा उसको ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, उससे बस फ्लेवरिंग एनहांस होकर आता है और जायफल के अपने खुद के फायदे भी हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से चना पफ चिकी या चना चिकी। तो सबसे पहले हमने दलिया को रोस्ट कर लेना है, ये अनरोस्टेड आता है। इसको रोस्ट करने का मकसद यही है कि इसको अच्छी तरह से हमने क्रिस्प कर लेना है। फ्लेम को लो मीडियम रखें ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक क्रिस्प हो जाए, और क्रिस्प होने की वजह से ये ज़्यादा देर तक टिकता भी है और बहुत टेस्टी भी लगता है, इसका टेस्ट एनहांस होकर आता है। इसीलिए लो मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेंगे हम, जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता है। तो यहाँ देखिए, इसको रोस्ट करते हुए ऑलमोस्ट मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है, और आप अगर देखें तो ये देखिए इसका कलर हल्का सा गोल्डन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें से रोस्टेड अरोमा भी आना स्टार्ट हो चुका है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना है। मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट पर, तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ एक प्लेट में। और अब हमने इसी कढ़ाई में चाशनी प्रिपेयर कर ली है, तो घी ऐड कर देंगे हम। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है मैंने, गुड़ भी ऐड कर देंगे सारा ही। फ्लेम लो ही रखना है हमने, तो 3/4 कप मैंने लिया है। अगर आपको स्वीट ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप तक भी ले सकते हैं। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो रखें, और इसको चलाते हुए सारा जो इसमें लंप है वो बिल्कुल हमने ब्रेक कर लेना है। सारे लंप डिसॉल्व हो जाने चाहिए इसके अंदर। ये देखिए, इसमें झाग बनना शुरू हो रहा है और काफ़ी हद तक सारे लंप्स ही इसमें डिसॉल्व हो गए हैं, कोई भी लंप्स अभी इसके अंदर मौजूद नहीं है। जैसे जैसे ये सिकेगा सारे लंप्स अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे और बबल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। तो इसको हम इसी तरह से लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे कुछ देर और, जब तक हल्का सा इसका कलर चेंज होता हुआ दिखाई ना देने लगे। मैंने यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रेडी रखा है क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी चेक करनी है चाशनी की, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके ऐड करके चेक करते रहेंगे। 30 सेकेंड्स और ऊपर हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये अभी बहुत ही सॉफ्ट है, इस तरह से आपको बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ये स्टिफ हो जाना चाहिए और इसमें से टूटने की आवाज़ आनी चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से खिंच रहा है, तो ये इस तरह से खिंचना नहीं चाहिए, और जैसे कोई शीशा टूटता है उस तरह से ये टूटना चाहिए। तो थोड़ी देर और कुक कर लेंगे इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 1 मिनट और ऊपर हो चुका है और गुड़ का कलर काफ़ी हद तक डार्क हो चुका है। एक बार फिर से मैंने चेक किया था, ये रेडी नहीं हुआ था, तो अभी काफ़ी हद तक डार्क है इसका कलर, और अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये हार्ड हो चुका है, मैंने पानी डिस्कार्ड कर लिया है। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कड़क हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे हम, और इसमें हमने सारा ये जो चना पफ बनाया था ये ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इसको मिक्स करते रहें जब तक ये एक बॉल स्टेज पर ना आ जाए। ये देखिए, हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छी तरह से जुड़ने लगेगा एक दूसरे में। ये देखिए, तो यह देखिए मिक्सचर जो है ये अच्छी तरह से इस वक्त फॉर्म हो गया है। थोड़ा सा हमने स्पून को डिप कर लेना है
वाटर में, ताकि ये स्टिक नहीं हो स्पून को। और छोटा सा पोर्शन हम इस तरह से स्कूप आउट कर लेंगे और इस तरह से हमने इसके लड्डू प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये देखिए एक लड्डू रेडी है और इसको हम रखते जाएंगे इस तरह से प्लेट पर। इसी तरह से सारे हम प्रिपेयर कर लेंगे। हाथों को भी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं ताकि ये हाथ पर चिपके नहीं। छोटा सा पोर्शन आप स्कूप आउट कर लें इस तरह से, जिस भी साइज का आपको बनाना है। और इसको अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको हमने फॉर्म कर लेना है। ये देखिए अब किसी भी वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि ये स्पून पर चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी लगा ले हाथों पर और स्पून पर, ताकि ये चिपके नहीं। और इसको फिर हमने इस तरह से अच्छी तरह से शेप कर लेना है। ये देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा अभी हमने जल्दी करना है, ताकि ये ठंडा, जब तक पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके पहले हमने सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये देखिए सारे ही लड्डू मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं और ये रेडी हो चुका है। ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक लिख के ज़रूर बताइए कि रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको रेसिपीज़ आ रही हैं पसंद तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।